युवा फिल्मकार सेनपेन हेमसार द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रोकन विंग्स के जरिए अब रुपहले पर्दे पर गोरखालैंड आंदोलन को पेश किया जा रहा है। वर्षों से इस फिल्म में काम हो रहा था जो अब बनकर तैयार है और जल्द ही यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। दो दिन पहले ही इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर यूट्यूब में लॉन्च किया गया। गोरखाली युवक के जटिल प्रेम कहानी के बीच गोरखालैंड के आंदोलन के छिपे दर्द, साजिश और अनकहे सत्य को इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश होगी। इस फिल्म का ट्रेलर बेहद शानदार लग रहा है। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनय पाठक प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। मॉन्क एंड वॉरियर प्रोडक्शन द्वारा यह निर्मित फिल्म भारत की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें गोरखालैंड आंदोलन के आसपास के दृश्यों को पिरोया गया है। ट्रेलर में बंगाल पुलिस के द्वारा गोरखालैंड पृथक राज्य की मांग को लेकर पूर्व गोरखा सैनिकों के शांतिपूर्ण रैली पर लाठीचार्ज का दृश्य आपको भावुक कर देगा। वहीं पुलिस के एट्रोसिटी वाले दृश्य, जब एक पुलिस वाला कहता है कि पूरे दार्जिलिंग को ऐसा बजाएगा कि 30-30 40-40 साल याद रखेगा वाला दृश्य वाकई गोरखालैंड आंदोलनकारियों के दर्द को बयान कर जाता है कि किस तरह से पहाड़ तराई डुआर्स ने दमनकारी नीति को झेला। इस फिल्म को यकीनन जो गोरखा व्यक्ति है वो भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं के साथ साथ पूरे भारत के लोगों को इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। आइए देखते हैं इस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गोरखा जाति को आंदोलन, आउने भावी संतान को आंदोलन, इस कौन करवा रहा है ये सब? अंडा साहब 144 लगवा दी, दिस नीड्स टू स्टॉप। ताको पार्टी तो मसाला एक बदल लक्ष्य में बिकने उस ए दो ए बट कोंडो में घाम लग सके। कोई टिकटी ए सोम तेरो चाहिँ अब मन मन माई लव मन मन माई ब्रेक होला जस्तो छ है। चुप बाबा, आप तो एजुकेटेड है ना, तो आपके अंदर इतनी नफरत क्यों है? कुछ तो बाधाहरू, समाज, धर्म, जातपात। तलाई एक पेला भगवान थाहा छ? बदवास छ। पिया, just listen to me, मास पिया। पिया, ए छिटे, डर लाग्दो कि दोस, हाँ? साला सेन्टी भर केटी पटाउनु खोज्छ सा? टाम्टा। पूरा दार्जिलिंग का ऐसा बजाएगा ना, 30-30 40 साल तक याद रहेगा। हमारे लाइफ की नस्तु वाका मा भैया बीफ खाते हैं वो लोग। yeah!